माय गॉड फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैंने ऐसा मंजर देखा. लिटरली यार, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ समुद्र. एंड भाई साहब, मैंने तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया और बहुत डर लग रहा था फ्रेंड्स. बहुत रिस्की था, मैं पहले भी बोल चुकी, बहुत ज़्यादा रिस्की था. बट ये है कि अल्लाह ने बचाया, सामने बाबा ने बचाया, बट स्टिल बहुत रिस्की था फ्रेंड. फ्रेंड्स, पानी की लहरें इतनी तेज है ना, क्या बताऊँ आपको भाई. फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हाई टाइड थी, लाइक बहुत हाई अलर्ट था और हम लोगों को नहीं पता था और हम लोग वहाँ पे चले गए. बहुत ज़्यादा रिस्की था फ्रेंड्स, आप देख सकते हो. वहाँ पे फ्रेंड्स अनाउंसमेंट हो रहा था जब हम लोग बीच में थे, लिटरली बीचों बीच में थे. एंड वहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका था कि गेट बंद हो गया है. एंड मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, यहाँ पे लोग बह भी जाते हैं फ्रेंड्स, मतलब समुद्र उनको अपने साथ ले जाता है, डूब जाते हैं पैर फिसलने से. एंड ऐसे बहुत सारे सीन्स जो है यहाँ पे होते रहते हैं, चाहे मरीन ड्राइव हो चाहे यहाँ पर हो. एंड हल्की सी भी चूक फ्रेंड्स ऐसा होता है. और फ्रेंड्स, ये जो पानी है ना, ये इतना ज़्यादा नमकीन था, इतना ज़्यादा नमकीन था भाई साहब कि लिटरली मुंह में जा रहा था तो मुंह जला रहा था, ज़बान जला रहा था और स्किन पे भी बहुत सारे, यू नो ऑब्वियसली भाई मुझे तो आदत नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो मुझे कैसे आदत होगी. क्या हो गया मम्मी? फ्रेंड्स, आप महसूस कर सकते हो यहाँ पर भी कि हवा कितनी तेज़ होगी, कितनी तेज़ होगी. और बहुत तेज़ चल रही थी हवाएं. एंड यू नो मतलब लाइक भाई साहब, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था इतना कुछ इतने करीब से एक्सपीरियंस करना. एंड आप देख सकते हो भाई साहब, जो वेव्स है दे आर लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत हाई थी, बहुत हाई टाइड्स थी. एंड फ्रेंड्स, मम्मी ने कहा कि तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ बिकॉज़ यहाँ पे लोग होते हैं और इस साइड पे. एंड मम्मी गए थे नमाज़ पढ़ने, सो मम्मी फिर आके बता रहे थे कि ना उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी बिकॉज़ यू नो मम्मी जब उस साइड नमाज़ पढ़ी थी तो मम्मी ने बताया, उन्होंने देखा उधर से कि जो वेव्स है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी और उनको डर लग रहा था मेरी. फ्रेंड्स, ये लहर इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब. देखो देखो देखो, इनसेन इनसेन. ओह माय गॉड, उसका देखना फ्रेंड्स, ये तो हेलीकॉप्टर है. ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी फ्रेंड्स, बहुत सुकून हो रहा था.
चुका है। फ्रेंड्स ये पानी अभी इतना बढ़ चुका है लाइक विशाल, लिटरली विशाल। एंड मैं आपसे यही बोल रही थी कि यहाँ पे ना पहले जब मैं आती थी ना मतलब घूमने मतलब और दरगाह की जियारत करने, तो यहाँ पे ना पानी नहीं होता था, आप यहाँ पे आ सकते थे। लेकिन आज आप देख सकते हो हाई टाइड है, मॉनसून है, ये पूरा कवर अप हो चुका है जहाँ पे लोग बैठते हैं जाते हैं। अब वहाँ पे एक पत्थर तक नहीं दिख रहा जहाँ पे इतने बड़े बड़े यू नो यहाँ पे स्टोन्स रखे हुए थे, मतलब ये ऐसे इतने बड़े बड़े, ये देखो। ओए पहली बार देखा है मतलब ऐसे आते हुए हाजी अली में, मैं यहाँ नहीं रहती ना, सुबह में पान सरकता है शाम में हो जमता है। ओ सही है सही है। और कितना विशाल हो गया, मैं वही देख रही थी कि पहले वहाँ पे लोग बैठ सकते थे, वहाँ पे पत्थर दिखते थे ना बड़े बड़े, अभी वो सब पानी के अंदर डूब गए हैं। हाँ बाई चांस मैंने देखा कि वहाँ पे ना कुछ भैया लोग हैं जिनको शायद बाहर काम था, और मैंने फटाफट से ना यू नो वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं देखा कि पूरा गेट खुल गया था और मैं बहुत इजीली वीडियो बना पा रही थी, और आप देख सकते हो पूरा कवर अप हो चुका है, लिटरली पूरा रास्ता कवर अप हो चुका है। एंड इट्स टू रिस्की बिकॉज यहाँ पे सारा पानी आ गया। <laughs>
सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है ना उन्होंने कैमरा देख के ना ऐसे खोल दिया और बहुत अच्छे हैं ताकि वीडियो बन पाए, तो ऐसे ही हुआ है ना, तो इसलिए नहीं खोल रहे ना कि भीड़ लग जाएगी, तो इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अब मैं दरगाह के पास नहीं जा पाई, वो मेरी मजबूरी है, बट ठीक है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो मम्मी, अच्छा लग रहा है, छोटी सी डॉल लग रही हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ना कि मैंने कितना प्रीशियस मोमेंट, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट जो है वो कैप्चर किया है, एंड आई थिंक ऐसा शायद ही किसी यूट्यूब पे किसी ने डाला हो कि मतलब आप हाजी अली के अंदर हो और गेट जो है वो बंद है, आप 6 घंटे के लिए अंदर हो एंड अंदर से आपने बाहर का नज़ारा देखा कि कैसे समुद्र का पानी आता है, कैसा व्यू होता है, कैसा लगता है और पूरा जो रास्ता है एंड वो सब कुछ बहुत यूनिक था मेरे लिए डेफिनेटली, एंड मुझे तो अच्छा भी लगा क्योंकि बाबा ने भी बुलाया। सो या मम्मी की भी नहीं ले पा रही आप लोगों को दिखाने के लिए, मम्मी थोड़ा अच्छे से रहो आप। हाँ, हवा चल रही है ना फ्रेंड्स, देखो होगा, और ह्यूमिडिटी भी है, प्लस बैग भी संभालना हो रहा है, और मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ ना फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ, आप समझ जाओ, बस मैं ईद के ना बहुत पछता रही हूँ उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग फ्रेंड्स, बस आने वाली है सामने, देखो उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, अरे उधर सामने। आएगी मम्मी।
जाओगी। तेज है। ये देखो फ्रेंड्स, ये है पूरा हाजी अली यहाँ पर माशाल्लाह। एंड देखो फ्रेंड्स, ये है कोकोनट। यार कितने फ्रेश दिख रहे हैं ना, कोकोनट ट्री है पूरा। सैंडल है वो कपड़े वाली है, राइट, क्लोथ वाली है। अब वो इतनी ज़्यादा भीग चुकी है, इतनी ज़्यादा कि ना उसको मम्मी ने मेरी सैंडल उतार के खुद पहन ली। गीली है वो, ऑब्वियसली क्लोथ वाली तो वो सूखने तो वाली नहीं है डेफिनेटली। पूरा बैग लेके यार ट्रैवलिंग करना इज नॉट ईजी एट ऑल। बुरी हालत हो गई है। फ्रेंड्स गेट ना खुलने वाला है, अभी देखते हैं। बस बारिश भी रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इसकी खुशी अलग ही थी। फ्रेंड्स दोबारा मैं गिरी हुई हूँ वापसी में आते हुए। दोबारा पैर इतना दर्द कर रहा है ना यार, जैसे लग रहा है 6 घंटे से मम्मी भी खड़ी मैं भी खड़ी, 6 घंटे से लगातार सिर्फ खड़े थे हम, बैठने का वहां पे था नहीं। और गंदा भी लग रहा था, ये देखो पूरा पूरा गिरा हुआ, मम्मी का भी पूरा गिरा हुआ बैग और ये पूरा दुपट्टा।
गुस्सा आ रहा है ना, इतना चिड़चिड़ा बन हो रहा है, बट स्टिल यहाँ से हमारा जो होटल है वो बहुत दूर है। कुछ खा लेती हूँ फटाफट से। दिस इज माई फेवरेट पिज्जा, और मैं जब भी बॉम्बे घूमने जाती हूँ ना, मैं यहाँ पे जरूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एंड मेरी ना मुंबई सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको मेरी यूनिक सी वीडियो कैसी लगी है, लाइक जरूर कर देना, एंड प्लीज डू सपोर्ट माई हार्ड वर्क। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।